पापा मैं मीटिंग में हूँ, जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, आई कॉल यू लेटर पापा, बाय। हाँ मीनल, ये बताना कितनी देर रहेगी रामनारायण मार्केट? अरे बाबा, निकलने से पहले मुझे फोन कर। हाँ चलो, ओके बाय बाय। विभो, क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहा हूँ। नॉट फनी, क्या कर रहे हो? अरे यार, कचरा फंस गया वॉश बेसिन में, वो कचरा साफ कर रहा हूँ। फिर तुम फालतू के काम लेके बैठ गए, दूध लेने कब जाओगे? हमेशा दूध लाने में लेट कर देते हो, फिर टाइम पास करते हो, दूध टाइम पे आता नहीं है और मैं ग्रूमिंग क्लासेस बिना कॉफी के जाना पड़ता है मुझे। जा रहा हूँ बेबी, जा रहा हूँ दूध लाने, जा रहा हूँ, पहले कचरा तो निकाल दूँ। जाओ, तुम तो घर में रोज जमाती हो यार, कम ऑन। अरे यादराम के लड़के। जी भाभी जी। सुनो, तिवारी जी को बोलो जॉगिंग के लिए रेडी हो जाएं। जी भाभी जी। तिवारी, ओ तिवारी, क्या है बे? याद राम के लौंडे, ले कब से देख रहे थे तिवारी तिवारी तिवारी, जी नहीं बोल सकता, तहजीब बेच खाई है क्या? कच्चा बनियान भी बुला सकता हूँ। वनिता भाभी कब से वेट कर रही है आपका? हाँ तो ठीक है ना, तैयार होने में वक्त लगता है भाई, चल तू निकल ले। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। तिवारी जी, ऐसे लड़कियां करती हैं फ्रॉक पकड़ के। सॉरी भाई जी, कब से आपकी बाढ़ जो हो रहे थे। खैर छोड़िए तिवारी जी, जी। सुनिए ना जी, आप ना मेरी तरफ से अंगूरी जी को एक रिक्वेस्ट कर दीजिए। अरे हुक्म कीजिए भाभी जी, क्या करना है बोलिए। तिवारी जी, मेरा ना बड़े दिनों से लिट्टी चोखा खाने का दिल कर रहा है उनके हाथ का। अच्छा, अरे तो हम यूं आपकी इच्छा पूरी करते हैं भाभी जी। एक मिनट, ये डाल दिया। भाई दिया, कितने ठंडे बाहर, ऊपर से बाल धो लिए हैं। हेलो, हाँ पगली। आ लेटी के भैया, सुनो भाभी जी को ना तुम्हारे हाथ का लिट्टी चोखा खाना है। खाओ, बात कर रहे हैं, अनीता जी को हमारे हाथ का लिट्टी चोखा खाना है। हाँ अंगूरी जी, सुनिए ना, आपने कुछ दिनों पहले खिलाया था ना, वो जायका मेरी जबान पे चिपक गया है। हाँ नीता जी, हम आपके लिए जरूर बना देंगे लिट्टी चोखा, लेकिन कहा है ना कि वो बैल छाप अब सत्तू ना अभी हमारे पास है ना ही, वो तो रामनारायण मार्केट जाकर हिलाना पड़ेगा। अरे अंगूरी जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विभू से कह दीजिए वो लेता आएगा। ठीक बा, उनको ही बोल देते हैं, और फिर ना आपको अपने हाथ का लिट्टी चोखा खिलवाते हैं सर्दी के मौसम में, ठीक बा? थैंक यू अंगूरी जी। अच्छा सुनो, हम जॉगिंग करके आ रहे हैं, नाश्ता तैयार रखना पगली है। हाँ ठीक बा, लिट्टी के भैया नाश्ता तैयार रखते हैं। चलो चलिए, आइए चलिए 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 चलिए, हाथ नीचे कीजिए। अरे यार, ये डोलची कहाँ चली गई? ये भाभी जी का फोन है। मैंने कहा हेलो भाभी जी, सुबह सुबह फोन करके आपने हमारी सुबह हसीन कर दी। हाय दिया, कहा है ना कि हमको आपसे एक ठो काम है।
गुलाम की गर्दन हाजिर है, हुकुम तो कीजिए। हुकुम ये है भरभूति जी कि आपको ना अभी राम नारायण मार्केट जाकर ना हमारे लिए वो बैल छाप सत्तू लेकर आना है। भाभी जी इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, सत्तू ही मिल जाएगा हमारे मॉडर्न कॉलोनी में। वो मदर लाना ना, वो किराने वाला, उसके पास मिल जाएगा, बढ़िया सत्तू है। का भरभूति जी, यहाँ मिल जाता तो हमें जाके ले आते ना। लेकिन ये बैल छाप सत्तू तो ना राम नारायण मार्केट में ही मिलता है। कहा है कि ये सत्तू ना दरभंगा से आता है और उमे कोनो मिलावट भी ना ही होता है। लगता है भाभी जी कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं। हाँ, अनीता जी फरमाइश की है कि ना उनको लिट्टी चोखा खाना है हमारे हाथ का। तो आप लिट्टी चोखा बनाने वाली? जरूर, हम लेके आते हैं आपके लिए सत्तू राम नारायण मार्केट से। ठीक है, जल्दी से ले आइए। हाँ, फिर अच्छा आप कोई सर्दी के मौसम में लिट्टी चोखा खिलाते हैं। बाय बाय। She is amazing. हेलो, कौन बोल रहे हो बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है विभूति नारायण मिश्रा, समझे? अब भैया क्या हाल चाल है रे? सुबह सुबह कैसे याद कर लो? सत्तू लेके आना है बे। सत्तू चाहिए? जहाँ पर? अब भैया मैंने क्या सत्तू की फैक्ट्री खोल रखी है? अबे लौंडे, इतना क्यों चल रहा है बे? हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुझसे। क्या है कि भाभी जी अन्नू के लिए लिट्टी चोखा बनाने वाली हैं। जो लिट्टी के अंदर जो वो सत्तू पड़ता है ना, वो चाहिए उनको वहां से। स्पेसिफिक सत्तू चाहिए, स्पेसिफिक एकदम। प्रॉब्लम ये है। तो भैया जाके ले लो ना, कानपुर में सत्तू की कमी है रही है का? अरे सत्तू उन्हें चाहिए ना जिस ब्रांड का, वो मिलता है राम नारायण मार्केट में, समझे? राम नारायण मार्केट? ओ माय गॉड, वेरी फार, बहुत दूर है भैया वो तो। सॉरी, मैं ना जा पाऊंगा भैया। पर तो उनको लौंडों को भेज देना, वो अपना टिल्लू मल खान को। हम भी ना जा पाएंगे। सुन लिया भैया, ये लोग भी ना जा पाएंगे। भाई इतना क्यों उतरा रहे हो तुम लोग, इतना क्यों भाव खा रहे हो? भैया ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो आप? इतनी दूर क्यों जाए हम सत्तू लेने के लिए? हैं, ये बताओ हम तीनों का इसमें क्या फायदा है? सुबह सुबह तुम तीनों को मैं लिट्टी चोखे का नाश्ता करवाऊंगा। और बोलो कौन से ब्रांड का सत्तू है? बैल छाप ब्रांड। बैल छाप सत्तू मिल जाओगे भैया, मिल जाओगे। हाँ, आ रहे हमारे। इसे बोलते हैं कनेक्टिविटी। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब, जयराम जी कह रही है, टीका बोल रहा हूँ। हाँ टीका बोलो। डॉक्टर साहब, वो आपकी क्लिनिक के पास में वो है ना रामू लारा परचून वालो? हाँ है तो। वहां से बैल छाप सत्तू लेना है 1 किलो हमारे लिए, ले लो प्लीज। अच्छा, तो मैं डॉक्टरी छोड़कर तुम लोगों के लिए सत्तू खरीदता फिरूंगा? अरे मोबाइल की बीमारी से पीड़ित मैं एक पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। अभी मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, रखो फोन। अरे यार बड़ा भाव बढ़ गए यार डॉक्टर के, यार बड़ा बिजी चल रहे हो। अंगूरे, अरे अंगूरे, अरे नाश्ता लगाया कि नहीं? अरे यार अंगूरी, अरे अरे हम तुमसे कुछ कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा का? नाश्ता लगाया कि नहीं? सॉरी लिट्टू भैया, वो हम चिकचाक वीडियो बना रहे थे ना। चिकचाक से पेट नहीं भरेगा, नाश्ता लगाया कि नहीं? है कि नाश्ता तो बना ही नहीं हम। काहे नहीं बनाए नाश्ता? ओ काहे ना कि चिकचाक वीडियो बनाने में ऐसे लग गए ना कि टीम को पता ही नहीं चला। आप भी बनाइए ना। अरे चुप, मतलब हम और हमारा नाश्ता है घुइया के खेत में, तुम्हारे लिए चिकचाक पे वीडियो बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हाय दिया, सॉरी सॉरी बोले ना, ऐसे काहे हमको डांटते हैं। और वैसे भी हमको एक तो बात बताइए, आज के पहले ऐसा कभी कोनो गलती किए हैं का? पहली बार ही हुआ है ना ऐसा? काहे कि मोबाइल पे ना बहुत ही अच्छा एप्पल आया है। एप्पल नहीं, ऐप होता है वो। सही पकड़े हैं, और उसका नाम है चिकचॉक।
और हम तुमको जो ये स्मार्टफोन दिलवाए हैं, ये क्या इस तरह की पागलपंती की हरकतें करने के लिए दिलवाए हैं? ये कोनो पागलपंती नहीं है, बल्कि एक ठो कला प्रदर्शन का मौका है। आप भी बनाइए ना, बहुत मजा आएगा, देखिए। अरे छोड़ो, हमें ज्यादा सलाह देने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी? और एक बात कान खोल के सुन लो, इस तरह की पागलपंती की हरकतें बंद करो, नहीं तो मोबाइल उठा के ना फेंक देंगे तालाब में। नहीं, अब छुपा कर रही हो, नाश्ता बनाओ। नहीं, नाश्ता बनाओ। ठीक बा। अनु, अनु, अरे मीनल हाय। आजा आजा, बीबू दो कप चाय और ले आना। हाय अनुराग। ओ क्यों अनुराग? और मीनल बता क्या खबर है? अरे खबर क्या अनु, बस हर जगह ना अनुराग ही अनुराग छाए हुए। अनुराग ही अनुराग छाए हुए मतलब? अनुराग छाए हुए मतलब हर कोई अनुराग को ही ढूंढ रहा है। ऐसा क्या कांड कर दिया तुम्हारे अनुराग ने? ओ हेलो, अनुराग ने ना कोई कांड वांड नहीं किया। वैसे कांड करने काबिल है भी नहीं। क्या कहा? अरे ऐसी क्या घुइयां उखाड़ ली इसने, ये तो बताओ। अनु पता है मैंने ना अनुराग की एक वीडियो डाली थी टिकटॉक पे। अच्छा, जिसमें ना वो अपने स्टाइल में आंख मारता है। क्यों अनुराग? बिल्कुल ऐसे ही। और पता है क्या, उसको ना अब तक 5,000 लाइक्स मिल चुके हैं और हर कोई ना अनुराग के स्टाइल से ही आंख मार रहा है। तुमने दुनिया को चिचोरा बना दिया मतलब। विभू तू हर किसी को अपने जैसा क्यों समझता है? तू है एक नंबर का चिचोरा। मैं चिचोरा नहीं हूँ, मैं तो नहीं मारता ऐसे आंख। ये उसका स्टाइल है। स्टाइल नहीं, बीमारी है, गुइया का स्टाइल है। तू ना अनुराग की कभी बराबरी नहीं कर सकता, इससे तो उसे जलता है। जलता है? मैं जलूंगा इससे? जिंदगी में मेरे पीछे बैठ के टिप टिप के पास हुआ है बैक बेंचर कहीं का, मैं जलूंगा इससे। माय फुट, वो भी लेफ्ट फुट। हाँ तो टिप टिप कर ही सही, लेकिन देख आज अनुराग कहां से कहां पहुंच गया। इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है बता? मेरे पास माँ है जिसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बस मुफ्त में खाने की आदत है तेरी। मुफ्त की तुम खाते हो? बस 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 बस, माय गॉड, मैं कब से इधर उधर देख रही हूँ कि कभी तो शांत हो गए, लेकिन तुम दोनों की डिक्शनरी में शांत नाम का शब्द ही नहीं है। ये पकड़ पकड़ करे जा रही है। अनु देखना यार, मैं तो कितने अच्छे मूड से आई थी यहाँ पे, लेकिन तेरे हस्बैंड ने ना मेरे दिमाग की बैंड बजा दी। तू आती क्यों है फिर? आऊंगी मैं यहाँ पे, 1,000 बार आऊंगी, मेरी फ्रेंड का घर है ये। और मैं तेरी सहेली का हस्बैंड हूँ। अनु यहाँ पे ना मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, अब मैं ऐसे चलती हूँ। क्यों अनुराग? इज्जत ठीक है। क्यों अनुराग? अब मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। चलो मीनल सुन ना, मीनल, अरे यार क्या, मैं ना तुझे देख लूंगी विभू। देख लेना, जब चाहो तब देख लेना, दिखा देंगे। ऐसे क्या देख रही हो? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। यार तुम्हें क्या मिलता है मीनल की बेइज्जती करके? तुम्हारी ये फ्रेंड जब भी आती है ना, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती है, जलील करती है। She tries to put me down all the time. नो 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 प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी वो बिचारी, तो कह रही थी कि अनुराग के टिकटॉक वीडियो को 5,000 लाइक्स आए। बस वो ऐसा कह के दिखाना चाह रही थी कि विभूति तू बहुत बड़ा लल्ला है, मेरा पति जो है बहुत काबिल है। तुम तो पागल हो गए हो, तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके मन में। टिकटॉक वीडियोस 5,000 लाइक्स। अगर मैं अपनी आई पर आ गया ना, अगर मैंने बनाना वीडियो टिकटॉक वीडियो, तो मालूम है कितने लाइक्स आएंगे? लाखों लाख लाइक्स आएंगे। आजमाना चाहती हो? चलो लेट्स मेक अ वीडियो टुगेदर। ये नहीं, ये घटिया कामों में मुझे मत खींचो प्लीज, और तुम भी नहीं मोबाइल बाजी छोड़ो, कुछ ढंग का काम करो। ये देखो मोबाइल बाजी खुद कर रही है, हिदायत हमें दे रही है। अरे बाबा, मैं अपने ग्रूमिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स को कल का टाइम बता रही हूँ क्लास का, यार तुम भी ना पागल कर देते हो कभी कभी। भाभी जी घर पर हैं? आया ये भरभूति जी, कैसे बा? भाभी जी अभी अभी आपने अपने दुख पर अपनी मुस्कुराहट की हंसी चादर डालकर उसे छुपाने की एक नाकाम कोशिश की है। यही अन्ना मेरी जान ले गई। अक्का बोले? मैं कह रहा भाभी जी आप दुखी क्यों हैं, क्या हो गया? हाँ उकाए, हम बहुत बहुत सैड हैं। भाभी जी वो सैड होता है? सही पकड़े हैं, हम बहुत दुखी हैं। भाभी जी मुझे बताइए किसे दिल दुखाया आपका, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। हाय दिया, हम रिलेटिव के भैया का मुंह ना ही तोड़िए। आई न्यू इट कि ये आदमी सिर्फ आपको परेशान कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं,
वो हमको टर्टल नहीं किए भाभी जी, वो टॉर्चर होता है। सही पकड़े हैं, वो हमको परेशान नहीं किए। तो भाभी जी किसने दुख पहुंचाया आपको, क्यों दुखी हैं आप? थोड़ा गलती तो हमरा भी है। क्या हुआ ना कि आज सुबह ना हम वो चिकचॉक वीडियो बना रहे थे। That's interesting. तो उसके चक्कर में ना लड्डू के भैया के लिए नाश्ता ही बनाना भूल गए। So picture, who cares? फिर वो आए और हमको बहुत खरी खोटी सुनाए। भाभी जी माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया की सोच एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स आर रियली स्मॉल, बहुत छोटी हैं। आज मोबाइल एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, हमारा हम सफर है, तनाई का साथी है। भाभी जी जब भी मैं अकेला होता हूँ, तनहा होता हूँ, तो मोबाइल निकालता हूँ, आपकी फोटो देखता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, एकदम फ्रेश। क्या बोले? भाभी जी आज मोबाइल अपने आप में एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है और कमाई का जरिया भी। आई तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये बात लड्डू के भैया को कौन समझाएगा? लड्डू के भैया को आप एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हैं? वो कैसे? आप मेरे साथ वीडियो बनाइए चिक चौक। अभी हमरा वीडियो का कौन मूड बनाए हैं? भाभी जी मुझे यही तो मूड चाहिए आपका। इस मूड में एक अपील है, एक जज्बा है, एक आग है, एक कशिश है, एक कश्मकश है, एक इश्क है। भाभी जी आई वॉन्ट दिस ओनली। कहा भूल गए, हमरे तो कछु ना ही समझ आया। Let's do it. D-O. Two. D-O. Do. S-O. Su. G-O. Go. C-A-T. Fat. F-A-T. Pat. H-A-T. Hat. P-S-Y-C-H-O. Psycho. I like it. No. गजब का वीडियो बनाओ यार अंगूरी भाभी और विभूति भैया ने। हाँ यार, देखते देखते भैया विभूति सेठ तो चिकचौक के सुपरस्टार हो गए। जालिमो हाँ? जा वीडियो को भैया 10 लाख लाइक मिल गया अभी तक। अबे ओ लौंडो, किसको 10 लाख रुपए मिल गए हैं? ओ प्रेम भाई, तुम्हारे दोस्त ना है विभूति सेठ और हमारी अंगूरी भाभी का चिकचौक पे वीडियो आया है, देखते ही देखते 10 लाख लाइक आ गए, दिखाइए इनको। हाँ लो प्रेम भैया, और जाने भी इस वीडियो को देखो है ना, वहां ना लाइक जरूर करो। C-A-T Fat F-A-T Pat H-A-T Hat P-S-Y-C-H-O Psycho सही पकड़े। I like it। लाइक भी करियो। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खुलेआम ऐसे अश्लील वीडियो देखते हो? अबे ओ मास्टर, संस्कार की बना बत्ती, ये देख मेरा दोस्त विभूति है और अंगूरी भाभी का चिकचौक पे वीडियो आया है, देख देख तू भी देख, आजा आजा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। हम अपना शब्द वापस लेते हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या बात कर रही हो बुरी, तुम प्रसाद बना ली हो? क्या बताएं, देखो ना हम तो प्रसाद बनाना ही भूल गए। हाँ हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, अब क्या करें? क्या तुम अपने दोस्त के हाथ भिजवा रही हो? ठीक बा, तुम बहुत ही अच्छी हो भूरी, I love you, bye bye। अंगूरी दीदी, स्वाति आ जाओ। आओ बैठो स्वाति।
प्रणाम दीदी। खुश रहो खुश रहो। लो आपके सोमवार के व्रत का प्रसाद बनाकर लाए हैं। थैंकू थैंकू। कहा है ना कि अभी ना हमको भूरी मिसाइल पर बताई रही बात। आप मोबाइल कहना चाह रही हैं ना? सही पकड़ा है। लेकिन दीदी आप प्रसाद कैसे भूल गई? कहा बताएं स्वाति, इतना सारा काम रहता है ना घर का, रसोई का काम, साफ सफाई का, उसके चक्कर में ना प्रसाद बनाना ही भूल गए हम। हमको पाप लगेगा ना? बिल्कुल नहीं दीदी, बस मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। और कहा है ना दीदी, हर एक व्रत का अपना महत्व होता है और अलग अलग व्रतों के बारे में हमारी संतोषी माँ द्वारा दी गई जानकारियाँ हम सब के जीवन की कठिनाइयों को चुटकियों में दूर करने में सक्षम है। क्या बात है स्वाति, तुम तो बहुत अच्छा बात करती हो। लेकिन ये सब जानकारी ना लोगों को भी मिलना चाहिए। इन सब के बारे में आप जान सकते हैं NTV के नया धारावाहिक माँ संतोषी सुनाए व्रत कथाएं में, जो शुरू हो रहा है कल रात 9 बजे से। क्या बात कर रही हो, बहुत अच्छे। इससे क्या होगा ना, लोगों को बहुत सारा जानकारी भी मिलेगा और उनके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। बिल्कुल दीदी, और वो आपके अंदाज में क्या कहते हैं? सही पकड़े हैं।